लग गया। सर जी सर सेंटर लो। एक मिनट श्रद्धा कलर किधर है? I have no idea why I'm getting this coffee. I don't know. But I'm getting an award. I think कभी कभी क्या होता है कि मुझे लाइफ लॉन्ग मैंने अवार्ड शोज को सुनी और हमेशा साइड पर खड़े रहकर मैं अनाउंस करता था और दूसरे लोगों को अवार्ड देता था। तो पिछले 3-4 महीने से मुझे बुलाया जा रहा है अवार्ड फंक्शन पर, मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। पिछले महीने आई गॉट टेलीविजन सुपर स्टार ऑफ द डेकेड। आई थिंक अवार्ड बेसिकली एक टेम्प्ररी फील गुड फैक्टर होता है, जो आपको कोई अगर आपको इज्जत दे रहा है, आपको सराहा रहा है आपके काम को, यू शुड गो देयर एंड हम्बली एक्सेप्ट इट एंड जस्ट से अ सिंपल थैंक यू और व्हाट यू फील लाइक सेइंग। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हू यूज्ड टू गेटिंग अवार्ड। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी अवार्ड का हकदार हूँ, बट अगर कोई प्यार से बुला रहा है और अगर आपके पास उस वक्त टाइम है आप जाइए, उनका फंक्शन अच्छा होता है, आप जितने प्यार से अवार्ड दें। I don't have a dress code. I'm a very badly dressed person. In fact, you can say I'm one of the worst dressed people on television and the film industry. That's because I don't have anyone to, I don't have PR, I don't have anybody to dress me up. I just wear my own clothes. Ha! If I have to host an event or a job, I'm going to judge the show. आई थिंक बिग बॉस के पूरे सीजन में 16 सीजन में आई थिंक द वर्स्ट ड्रेस्ड कंटेस्टेंट। उनसे पूरे कपड़े ज़्यादा कोई नहीं पहनते, मैं कपड़ों का शौकीन ही नहीं हूँ। कभी भी देखी मुझे पहने टी शर्ट है, मुझे अमेजोन से खरीदा टी शर्ट 399 और ये कोट है मेरा जो 4 साल पुराना है, तो अभी थोड़ा सा श्रिंक हो गया, मतलब आई लॉस्ट हुई। आई थिंक कलर्स इज अ फैंटास्टिक चैनल एंड मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड एंड रिलेशनशिप है एंड आई होप द शो डज वेरी वेल। बुलाएंगे तो जरूर जाऊँ। आई थिंक दैट नयो लंदा सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स प्योर हिंदी बॉलीवुड मेलोडी। एंड कुछ लोगों ने बोला था जब गाना शुरू हुआ था कि यार थोड़ा आउटडेटेड गाना है, आज के डेट में नहीं चलेगा। द प्रॉब्लम इज कि वैसे ही गाने चलते हैं। हम लोग ना बड़े मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि हम लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं, रुकते हैं फिल्म इंडस्ट्री अंधेरी से लेके बैंड्रा तक भी हो, बट द रियल वर्ल्ड स्टार्ट्स आउटसाइड। असली इंडिया में आप जाके देखिए, टिल टुडे इट्स आटी बर्मन, इट्स नदीम श्रावण, इट्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इट्स हिमेश रेशमिया, उनका म्यूजिक चलता है। यू विल बी शॉक्ड जब आप YouTube पे जाएंगे और कुछ ऑब्सक्योर फिल्में जो बॉक्स ऑफिस में नहीं चली थी उनके कुछ गाने आप देखेंगे 1 बिलियन व्यूज, 1.2 बिलियन व्यूज। नदीम श्रावण, अनु मलिक, प्योर हिंदी फिल्म म्यूजिक। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द सॉन्ग इज अ ब्लॉकबस्टर। प्रोज ये हैं कि यू नो इंस्टेंट फेम भी मिल जाती है, इंस्टेंट लाइक्स भी मिल जाती है, इंस्टेंट पब्लिसिटी भी मिल जाती है, बहुत लोगों को आमदनी होती है। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके घर चलते हैं सोशल मीडिया से। वो कॉन्स ये होते हैं कि कमेंट्स फ्री हैं, कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। अगर कल एक रेगुलेशन आता है कि एक कमेंट पे 2 रुपया भी लगेगा तो कमेंट करना बंद कर देंगे। मुझे तो बच्ची बहुत प्यारी लगती है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई विल बी वर्किंग विथ हर वेरी सून एंड गॉड ब्लेस हर, शी इज अ लवली ह्यूमन बींग एंड आई थिंक ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी।
मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, बट हमारे लिए था नहीं, क्योंकि मुझे एक महीना पहले पता था, मुझे आई नो दैट सर, बट हमारे लिए था, बट उसमें वो ये बताया गया था कि सर का मूवी आ रही है, तो हम बहुत यू नो वेट कर रहे हैं क्या, मैं भी वेट कर रहा हूं, मैं 4-5 साल से वेट कर रहा हूं। मूवी के लिए बताना चाहेंगे एज अ फैन? नहीं, मैं ऐसे इतना ही बताना चाहूंगा कि क्योंकि मेरी शूटिंग अभी एक दो महीने में शुरू होने वाली है, तो मेरा वहाँ पे एग्जिट करना बहुत जरूरी था, बिकॉज कोई भी फिल्म बनाने से पहले आपको एटलीस्ट मिनिमम 6-8 महीने चाहिए होते हैं प्री प्रोडक्शन के लिए, और मेरे पास 3 महीने थे। आई विश आई कुड हैव स्टेड, और अगर मैं जीतता नहीं तो भी मैं बहुत खुश होता, बट मुझे वहाँ पे रहकर अच्छा लग रहा था, मेरे दोस्त थे वहाँ पे, तो उनको छोड़ते वक्त और जिस तरह से उन्होंने मुझे एग्जिट दिया, वो एग्जिट मुझे बहुत हम्बल डाउन किया। थैंक यू। I was there with him yesterday, and it's incredibly unfortunate what has happened. And Mukesh is like family. Farah and he are very, very close, because Farah Deen, so he's like a brother to me. His mom was, she was not that old, she was suffering. And Mukesh really, really, really looked after his mother. I think, I look after my mother. I think, mere liye, it's like, if I come to your house, your mother's like my mother. I feel all mothers should be looked after. And my only message to all the people out there is, do not ignore your parents, no matter how right or wrong they are. You have to look after your parents, because they've looked after you all your life. Now it is your turn to dedicate your time to your mother, to your father, especially your mother. Thank you. Thank you. Thank you.